ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ, उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का? भाई फूले का प्रतिमा लगे, शिक्षा की देवी यही है न कि सरस्वती है। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? हम शूद्र हैं और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा, 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के बड़बोले विधायक, या फिर यूं कहे कि हिंदू देवी देवताओं पर हमेशा आपत्तिजनक बयान देने वाले फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से हिंदू संस्कृति और सनातन का अपमान किया। दरअसल उन्होंने मां सरस्वती को विद्या की देवी मानने से इनकार किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को भी चरित्रहीन बताया है। दरअसल फतेह बहादुर सिंह ने सासाराम दाऊद नगर में विद्या की देवी मां सरस्वती पर आपत्तिजनक बातें कही है। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती को ग्रंथों में ब्रह्मा की पुत्री बताया गया, ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से ही शादी रचाकर चरित्रहीनता का परिचय दिया था। आरजेडी विधायक ने कहा कि पूजा हमेशा चरित्रवान की होनी चाहिए, न कि चरित्रहीनों की। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने स्कूल और विद्यालयों में ज्योतिबाई फूले की प्रतिमा लगाने और उनकी प्रार्थना करवाने की बात कही है। दरअसल वह ज्योतिबाई फूले की प्रतिमा लगवाने की बात कह रहे थे, लेकिन अपनी बात कहते कहते वो सनातन के खिलाफ बातें कहने लगे। उन्होंने सीधे तौर पर मां सरस्वती और हिंदू आस्था का अपमान करते हुए मां सरस्वती की पूजा पर सवाल उठाया। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि क्या आपको लगता है कि किसी चरित्रहीन की पूजा करनी चाहिए? उन्होंने ब्रह्मा जी को चरित्रहीन बताया, ये कोई पहली बार नहीं है जब आरजेडी के विधायक ने ऐसा कमेंट किया हो। इससे पहले भी उन्होंने माँ दुर्गा को लेकर विवादित टिप्पणी किया था, काल्पनिक बताया था, और तब खूब भूचाल मचा। हालांकि आरजेडी के ये कोई पहले नेता नहीं है जो सनातन धर्म पर इस तरह की बयानबाजी करते हो। इससे पहले चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद खूब भूचाल मचा था। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर उनकी पार्टी और उनके पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से मौन भी नजर आए थे, क्योंकि लालू यादव हो या उनका पूरा परिवार हो, पूजा पाठ में खूब नजर आते हैं। लेकिन जब बात उनके पार्टी के नेताओं द्वारा अपमानित करने को लेकर आती है, उसी देवी देवता को जिस देवी देवता को लालू यादव और तेजस्वी यादव मानते हैं, तो ये लोग चुप हो जाते हैं। सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है? क्या लालू यादव जानबूझ के, क्या लालू यादव के इशारे पर उनके पार्टी के नेता विधायक इस तरीके की बयानबाजी करते हैं? चूंकि बड़ा सवाल है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता या तो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, या फिर उन्हें कहा गया है कि तुम देवी देवताओं पर इसी तरीके से टीका टिप्पणी करते रहो, चूंकि ना कोई पहली बार है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की टीका टिप्पणी जो है इन नेताओं द्वारा किया गया है। फतेह बहादुर सिंह जो अक्सर देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो करते रहते हैं, और उनकी पहचान इसी वजह से है और खूब सुर्खियां भी बटोरते हैं। फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से मां सरस्वती को लेकर विवादित टिप्पणी किया है और साफ तौर पे कहा है कि ये चरित्रहीन लोग हैं, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके जगह सावित्री बाई फुले की तस्वीर लगनी चाहिए और प्रार्थना भी उनके नाम की होनी चाहिए। बहरहाल आपकी क्या राय है इस फतेह बहादुर सिंह को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।